हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आ गया था। जैसे कि आप सब लोग बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा मांगते हो, तो क्योंकि यूपी बोर्ड में 10 नंबर की बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही बहुविकल्पी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक की बने रहें। वीडियो पर अगर आप नए मेहमान बन के आए हैं हमारे चैनल पर, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग में माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत यूनिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर है भारतीय युग को निबंध रचना का आरंभ युग माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था, ये 2012 में पूछा गया था। तो वो सन आपसे पूछ रहा है, तो सन 1880 में भारतेंदु को पदवी से सुशोभित किया गया था, हरिश्चंद्र की पदवी से भारतेंदु को सुशोभित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, हमीरहट किस प्रकार की रचना है? तो ये इतिहास है, एक हमीरहट जो है वो एक प्रकार का इतिहास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, 2012-14-17 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादन, इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम द्विवेदी युग में हुआ था। सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग की, ठीक है, तो ये 2016 में पूछा गया था। आप इधर ज़रा देख रहे होंगे, लगातार ये सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं, तो जितने ज़्यादा पूछे गए उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युग के लेखक पत्रकार हैं? तो भारतीय युग के लेखक और पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है, ये दोनों का कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, तो उनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी जो समाचार पत्र है उसका संपादन किया था, 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में एक हैं, उनका नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, ये एक राजा का नाम है, एक गद्य राजाओं के नाम है, 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में अस्तयाम की भाषा है? अस्तयाम की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है, खा वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, 2010 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी थी, उनका नाम बताइए? तो गद्यकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। किसने दी थी ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बदल बदल करके पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक गद्यकाल की संज्ञा बताइए, संज्ञा बताते हुए बताइए कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्यकाल में संज्ञा किसने दी थी, और कई सारे प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मगर आपको आंसर केवल एक लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको एकदम अच्छे से फिट कर लेना अपने दिमाग में, क्वेश्चन का आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था याला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो वो युग का नाम है भारतेंदु युग, ठीक है, जो भारतेंदु युग इसका करेक्ट आंसर है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा माना जाता है? उसको भारतेंदु युग को माना जाता है, तो हम गा वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की जो मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। आप इनका पीडीएफ जा करके मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैंने इसका पीडीएफ में करके दे रखा है सबसे ऊपर वाले लिंक में, तुरंत चले जाइए सबसे ऊपर वाले लिंक में और इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तुरंत वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया है लाल वाला बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।